उज्जैन दुष्कर्म मामले में पुलिस कस्टडी से आरोपित भारत सोनी ने भागने का प्रयास किया। भागने के दौरान गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। आरोपित भारत को पकड़ने की कोशिश में पुलिस के दो जवान हुए घायल। धार्मिक नगरी उज्जैन महाकाल थाना क्षेत्र में 25 सितंबर को बेसुध हालत में मिली दुष्कर्म पीड़ित बालिका सतना की रहने वाली है। पुलिस अब इसका पता करने में जुटी है कि बालिका उज्जैन कैसे पहुंची। उधर सतना पुलिस उज्जैन के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं उज्जैन पुलिस ने 5 ऑटो चालकों को राउंड अप किया है। उज्जैन SP सचिन शर्मा ने बताया कि पीड़ित सतना जिले के गांव की रहने वाली है। 24 सितंबर को घर से गायब हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सतना जिले के जैतपुर थाने में दर्ज हुई। जैतपुरा पुलिस ने बताया कि बच्चे की मां बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई। पिता अर्धविक्षिप्त है, दादा और बड़े भाई के साथ एक गांव में रहती है। गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके गुम होने पर दादा ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सतना पुलिस टीम भी उज्जैन के लिए रवाना हुई। उज्जैन पुलिस के अनुसार बच्ची की उम्र 12 साल होने का अनुमान लगाया गया था। वहीं सतना जिले के जैतपुर थाने में दर्ज FIR कॉपी में 15 साल दर्ज है। 700 के करीब CCTV फुटेज खंगालने व मुखबिर की सूचना पर पुलिस आरोपी भरत सोनी को पकड़ने में कामयाब हुई। पुलिस आरोपित भरत को घटनास्थल जीवन खेड़ी लेकर गई। भरत ने नक्शा मौका बनाने के दौरान पुलिस को धक्का देकर भाग निकला। इस दौरान वो गिर गया, जिससे उसके हाथों पैर में चोट लगी है। आरोपी को पकड़ने के लिए भागे साइबर सेल प्रभारी प्रतीक यादव और प्रधान आरक्षक सुनील को भी चोट लगी है। दुष्कर्म वाला मामला था, जिसमें आज शाम को आरोपी के जो है साइबर टैक्टिक से उसको पकड़ा गया। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाने और घटनास्थल तस्दीकी करने के लिए हम लोग गए थे। वहां से इसने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया, फिर इसको पीछा करके उसको पकड़ा, जो वहां पर जीवन घेड़ी पर बनी सीमेंटेड रोड से टकरा जाने से इसके पाँव में चोट आई और हाथ में चोट आई। पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई है, उनको जो घिस गए वो भी टकरा गए थे, उनको भी चोट आए। ये सारी चीजें आपको प्रेस नोट में साफ की मिल जाएंगी और इससे जानकारी साफ देंगे। 45 मिनट पहले पकड़ा था भरत सोनी, जो नाना खिला के रहने वाला। कोई एनकाउंटर जैसी बात नहीं है, ये सब गलत बात है, ना ही किसी प्रकार का कोई गोली चालन है। इसको गिरने से ही चोट आई है। सामने आई थी 25 तारीख को सूचना प्राप्त की लगभग सुबह 10 बजे, जिसमें पता चला था एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। वहाँ पे हमारी जो एफआईआर व्हीकल है, सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर है, वो लोग पहुँचे, SSL की टीम पहुँची, घटनास्थल को सुरक्षित किया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ से हॉस्पिटल लेके वहाँ पर पहुँचाया गया। बच्ची बता पाने में असहज थी कि उसके साथ क्या कैसे हुआ है। उसके बाद कुछ स्टाफ थे, महिलाएँ थी, इसके अलावा कुछ जो काउंसलर्स थे, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया थोड़ा सा सहज किया जा सके कि बच्ची थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाए और जो घटना है उसको बता पाए। उसके बावजूद भी सहज भाव जिस प्रकार से घटनाक्रम को बता पाना चाहिए वो बच्ची नहीं बता पाई। इसी में पैरेलली जब मेडिकल उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, तो उसमें जिन चीज़ों का खुलासा हुआ उसके आधार पर इसमें जो महाकाल थाना अंतर्गत 376 IPC और पॉस्को एक्ट की जो विभिन्न धाराएं हैं, चाहे वो डिटेक्शन मार्ग में, इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, जितने भी हमारे पास संभावित टेक्निकल एविडेंसेज हैं, उन सभी को हम लोग लगातार एकत्रित कर रहे थे, संकलित कर रहे थे, उसका लगातार हम असेसमेंट कर रहे थे। तो इनिशियली जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें फुटेज में एक फोटो मिला था, जिसमें शुरुआत में उसे पूछताछ के लिए लाया गया, तो पहले भी जैसे बताया गया था उस ऑटो के अंदर ब्लड स्टेन्स वगैरह मिले थे और उसे जब लगातार पूछताछ की थी तो उसने ये बताया कि कुछ समय तक वो कहीं ना कहीं जो हमारी विक्टिम है उसके साथ वो रहा है। और उसके बाद जब हमारी विवेचना हुई उसमें 3 प्रमुख तौर पर बिंदु निकल गया है। उसमें पहली चीज़ जो निकल गया है कि बच्ची कहाँ की है, तो सतना जिले में एक FIR हुई थी 363 की। प्राइमरी अगर देखा जाए कभी भी कहीं कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो देश भर में मैसेज एक फ्लैश किया जाता है और मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि मुझे लगता है सभी जगह की जानकारी चली गई थी कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है, तो सतना से जब कम्युनिकेशन हम लोगों को इस चीज़ का प्राप्त हुआ कि जो बच्ची जो अभी तक प्रॉपरली शायद अपना नाम शायद बता रही है, ठीक बता रही है, नहीं बता रही है, बहुत ज़्यादा वेरीफाई और कन्फर्म नहीं था, एक बार सतना से जब हमें ये जानकारी प्राप्त होगी तो हम ये सर्टेन कर पाए, कन्फर्म कर पाए, वेरीफाई कर पाए कि जो बच्ची है सतना की है। वहाँ की जो घटना दिनांक है वो 24 तारीख है
हमारे यहाँ पे जो अपराध हुआ है, जो घटित हुआ है, जो 25 तारीख है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है ये सभी को आइडिया है कि जो ट्रैवल टाइम है सतना से लेके यहाँ तक का, अगर आप नॉनस्टॉप भी चले तो शायद 10-11 घंटे, और अगर थोड़ा रुक के चले तो लगभग 13-14 घंटे चले। अभी तक की हमारी जो विवेचना थी प्रमुख तौर पर, क्योंकि इतना क्लियर हो गया था कि 24 तो बच्ची सतना में थी, 25 तो वो उज्जैन में आ चुकी थी, तो प्राइमरीली इस जानकारी के बाद हमारा जो हमारी जितनी भी फोकस इन्वेस्टिगेशन का था वो कहीं ना कहीं उज्जैन में जो घटनाक्रम था उनको लेके था, कड़ी से कड़ी जुड़ाई गई, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हम लोगों के पास थे, जो साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो मेडिकल एविडेंसेस हम लोगों ने, जो लगभग